हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो मेडिकल वाला। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं हेम्फा टॉनिक के बारे में। तो आज की वीडियो में इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, क्या है सिरप, कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो यदि दोस्तों अगर आपको भूख कम लगती है, शरीर में बेचैनी, कमजोरी और चक्कर आना है, यदि इस तरह की समस्या रहती है तो इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी इसके बारे में, कैसे यूज़ करना है, किन लोगों को नहीं लेनी है, क्या प्रेग्नेंट महिलाएं ले सकती है या नहीं ले सकती, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हो इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। इसका जो ब्रांड नेम है वो है हेम्फा और ये बहुत ही फेमस दवाई है, कई सालों से मार्केट में आ रखी है, करीब 20-25 साल से ये आपको मिल जाएगी, बहुत ही पुरानी मेडिसिन है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके सबसे पहले MRP के बारे में जान लेते हैं कि MRP क्या होता है। तो इसका MRP आप यहाँ पर देख सकते हो 162 रुपये। और वहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको इसकी मिलती है एलकेम फार्मास्यूटिकल। और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जाने तो इसके अंदर में आपको मिलता है फेरस ग्लाइसिन सल्फेट, फॉलिक एसिड, चाइनोकोबालामाइन एंड जिंक सल्फेट, डी बायोटिन। तो ये कुछ कंटेंट इसके अंदर में मिल जाते हैं। और ये जानते हैं किस परेशानी में, किस समस्या में इसको दिया जाता है। शरीर में खून की कमी हो जाने पे दोस्तों इसको दिया जाता है, काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा शरीर में कमजोरी हो, कैसी भी भूख नहीं लगती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा चक्कर आना, जी मिचलाना और चिड़चिड़ापन रहना, इस तरह की समस्या में ये काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये आपकी इम्यूनिटी पावर को भी इम्प्रूव कर देता है और ये जो हमारे रेड ब्लड सेल उनको भी, ये हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल को बढ़ाता है और कई तरह की विटामिन्स की कमी को ये पूरा करता है। और तो कुछ महिलाओं को जो है थकान बहुत जल्दी हो जाती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उस कंडीशन में ये अच्छा काम करती है। तो ये थे इसके फ़ायदे के, तो ये थे इसके फ़ायदे। आइए जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इसके वैसे अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखने को नहीं मिले हैं, बट इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपको अगर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं तो वो ये हो सकते हैं, जैसे कि आपको जो है पेट में गैस बन सकती है, या फिर जो है आपको पेट में मरोड़ हो सकती है, या फिर आपको लूज मोशंस की समस्या भी दिखने को मिल सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या दिखने को मिल सकती है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं ज़रूरी नहीं है कि हो, 0% होते हैं इनकी इफ़ेक्ट दिखने के। तो आइए बात करते हैं इसकी डोज की। तो दोस्तों 14 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही इस टॉनिक का इस्तेमाल करना है। यदि आपकी एज इससे नीचे है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसकी डोज निर्धारित करें और डॉक्टर जितना बताए उतना ही आपको लेनी है। अगर आप 14 साल के हो तो आप 7 से 10 ml तक आप सुबह शाम इसको यूज़ कर सकते हो, और यदि आपकी थोड़ी ज़्यादा है तो आपको 10 से 15 ml तक भी दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। तो ये थी इसकी डोज के बारे में जानकारी। यदि प्रेग्नेंट महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं इसका यूज़ करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनके लिए अच्छा काम करता है और सेफ भी है, तो आप इसका यूज़ कर सकती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बात करें जिन लोगों को लिवर किडनी से संबंधित कोई परेशानी है उनको दे सकते हैं, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इस उनको भी ये दे सकते हो। यदि आप शराब का सेवन करते हो तो जो है एक बारी डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लें और अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल भी ना लें यदि आप जो है अल्कोहल का सेवन करते हो तो। और इस वीडियो में इतनी थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।